गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, स्वागत है आपका चैनल पे। और आज हम क्लास ट्वेल्थ के लिए सबसे इम्पोर्टेंट राइटिंग सेक्शन को सॉल्व करने जा रहे हैं। और राइटिंग सेक्शन जो है वो आपका 4 नंबर का होने वाला है। इस टॉपिक के अंदर आपके कुछ शॉर्ट कंपोजिशंस होती हैं और जो कि सारी इम्पोर्टेंट होती हैं। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले कि इसमें कौन कौन से टॉपिक जो है वो शामिल किए जाते हैं, तो जैसा कि आपके सामने देख सकते हैं, इसमें सबसे पहले एडवर्टाइजमेंट्स आते हैं। एडवर्टाइजमेंट्स आपने न्यूज़पेपर वगैरह में इनमें भी देखे होंगे। इसके अलावा नोटिसेज हैं, डिस्क्रिप्शन ऑफ आर्ग्यूमेंट्स हैं। आर्ग्यूमेंट्स जो होता है वो फॉर द टॉपिक एंड अगेंस्ट द टॉपिक दोनों में ही लिखा जाता है। दोनों ही लिखने के लिए आपको एक टॉपिक दिया जाता है और उसी के फेवर में आप लिख सकते हैं, या फिर यदि आप चाहें तो उसके अगेंस्ट में भी अपने जो भी विचार हैं वो वहाँ पर लिखे जा सकते हैं। एंड एक्सेप्टिंग एंड डिक्लाइन इन्विटेशन, जब भी हम किसी को इन्विटेशन भेजते हैं तो इन्विटेशन के भेजने के बाद में वो उसे स्वीकार करता है या अस्वीकार करता है, उसको वापस आंसर देने का या जो रिप्लाई करने का जो तरीका होता है वो एक्सेप्टिंग एंड डिक्लाइन इन्विटेशन में आता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हम अपने टॉपिक में आगे बढ़ते हुए सबसे पहले हम आते हैं शॉर्ट कंपोजिशंस। अब इसके अंदर सबसे पहले कि कितने टाइप्स के होते हैं, तो सबसे पहले इसमें आता है आपके एडवर्टाइजमेंट। मेनली ये 9 टाइप्स के होते हैं टोटल। तो अभी हम आगे आने वाली क्लासेस में और विस्तार से इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर सेकेंड नंबर पर आपका आता है नोटिसेस। नोटिसेस के बाद में आता है डिस्क्रिप्शन ऑफ आर्ग्यूमेंट्स फॉर और अगेंस्ट ए टॉपिक। फोर्थ जो है आपके वो है एक्सेप्टिंग एंड डिक्लाइन इन्विटेशन। ये आपका 4 टॉपिक है। नेक्स्ट, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम एडवर्टाइजमेंट से कि एडवर्टाइजमेंट आखिर होता क्या है, क्योंकि कोई भी किसी भी सब्जेक्ट के बारे में या किसी भी टॉपिक के बारे में विस्तार से जानने के लिए सबसे पहले हमें उसके प्रॉपर नॉलेज होना जरूरी होता है। तो चलिए देखते हैं, क्योंकि मेनली मैंने देखा है कि RBSE बोर्ड और CBSE बोर्ड के जो बच्चे हैं उनमें काफ़ी अंतर होता है। जहाँ राजस्थान बोर्ड के जो बच्चे हैं वे काफ़ी डरते हैं इंग्लिश लैंग्वेज से, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज जो हमारे यहाँ पर है वो हमेशा सेकेंड लैंग्वेज के रूप में सिखाई जाती है। ठीक है, तो ऐसी डरने की कोई बात नहीं है। इंग्लिश इज वेरी फनी लैंग्वेज एंड बहुत अच्छी कह सकते हैं आप। तो चलिए चलते हैं एडवर्टाइजमेंट। तो एडवर्टाइजमेंट होता ही क्या है, व्हाट इज एन एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट होता क्या है। चलिए, एन एडवर्टाइजमेंट इज अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन Which is used to influence. Influence का मतलब होता है प्रभाव, ठीक है, influence the minds, tastes and even motives of the masses. Masses का मतलब है यहां पर जनमानस. It is also an announcement. Announcement का मतलब होता है घोषणा. Made through a popular medium, RUS is newspapers, magazines, TV, radio, cinema, media, etc. मतलब ये कि एक जो advertisement होता है वो किसी भी व्यक्ति के मानसिक उसके स्वाद को और उसकी जो इच्छाएं होती हैं उनको पूर्णतया प्रभावित करने का काम करती है। जैसे कि आपने टीवी में देखा होगा बहुत सारे जो है एड आते हैं। अब एड का जो काम होता है वो क्या होता है, वो होता है लोगों की सोच को परिवर्तित करना और अपने प्रोडक्ट को इस तरीके से बड़ा चटा करके पेश करना जिससे कि वो प्रोडक्ट की ओर अट्रैक्ट हो सके और उनका यूज कर सके। तो इनका जो मेन मोटिव होता है, मेन मोटिव वही होता है। ठीक है, तो आगे देखते हैं इसमें क्या लिखा है। इट इज यूज्ड फॉर वेरियस पर्पस, बिल्कुल ये अलग अलग उद्देश्यों की पूर्ति करता है। पर्पस मीन्स होता है उद्देश्य। By the businessman, commercial, governmental and social institute, यानी कि बहुत सारे जो हैं इस तरीके के advertisements होते हैं जो government भी अपने जरिए जारी करती है ताकि आप लोग जो हैं उनकी कोई भी जो सूचनाएं हैं वो आप तक बिल्कुल स्पष्टतया रूप से पहुंच सके। जैसे बहुत सारी जो विज्ञापन के जरिए आप तक सूचनाएं पहुंचाने का जो काम होता है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल उदाहरण के लिए आप ले सकते हैं एक जैसे एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं इसके अंदर
कि कोई भी आपको जो सूचना दी जाती है, मतलब आई मीन टू से इंफॉर्मेशन, वो परिवार नियोजन को लेकर के दी जा सकती है, या कोई गवर्नमेंट स्कीम हो सकती है, और इसी तरीके से अपने विभिन्न उद्देश्यों को पूरा करने के लिए एडवर्टाइजमेंट का यूज किया जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम यहां से एक अच्छे एडवर्टाइजमेंट की विशेषताएं कि एक आखिर जो अच्छा एडवर्टाइजमेंट होता है वो किस तरीके से लिखा जाता है, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट जो होता है इसकी आप फर्स्ट जो विशेषता है, जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो देख सकते हैं कि सबसे पहले इसमें लिखा है विज्ञापन में कम से कम शब्दों का प्रयोग किया जाता है। इट मींस इट मस्ट बी रिटन ब्रीफ, यानी कि संक्षेप में। ये पूरी तरीके से सार गर्भित होता है। इसमें आपकी जो मेन जो चीज होती है वो होती है, यानी कि जो भी इंफॉर्मेशन मुख्यतया आपको बतानी होती है वो बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से बताई जाती है, ठीक है। सेकंड है इसमें विज्ञापन में सभी आवश्यक सूचनाओं का समावेश होता है। बिल्कुल एग्जैक्टली, इसमें जितनी भी इंफॉर्मेशन होती हैं वो सभी शामिल की जाती है, बेसिक जो भी होती हैं, ठीक है। आगे हम और विस्तार से पढ़ेंगे इसके बारे में भी। विज्ञापन में स्वयं का पता, बिल्कुल जो भी विज्ञापन को जारी करता है उसका जो पता होता है वो भी इसमें बिल्कुल लिखा हुआ होना चाहिए। मोबाइल नंबर ये मस्ट है, ईमेल, ईमेल आईडी बिल्कुल आदि होता है, ताकि इच्छुक व्यक्ति संपर्क कर सके। तो कोई भी व्यक्ति है, अगर एडवर्टाइजमेंट हमने जारी किया है, दिया है, तो उसको जो वहां तक पहुंच रहा है उसके बाद में वो हमारे से किस तरीके से कांटेक्ट कर पाएगा, इसके लिए जरूरी है कि विज्ञापन में स्वयं का पता, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस आदि लिखना चाहिए ताकि वो संपर्क कर सके। चलिए नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट, विज्ञापन की भाषा बिल्कुल स्पष्ट, इट मीन्स क्लियर, क्लियर लैंग्वेज होनी चाहिए, इजी लैंग्वेज होनी चाहिए, सुबोध, यानी कि आसानी से समझ में आने वाली होनी चाहिए, मींस अंडरस्टैंडेबल, संक्षिप्त, शॉर्ट एंड आकर्षित करने वाली, यानी कि एट्रैक्टिव लैंग्वेज आपको करने वाली होनी चाहिए, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, आप समझ गए होंगे, एक बार फिर से देख लीजिए कि एक अच्छे एडवर्टाइजमेंट की विशेषताएं क्या क्या होती हैं। विज्ञापन में कम से कम शब्दों का प्रयोग होता है, विज्ञापन में सभी प्रकार के आवश्यक सूचनाओं का समावेश होता है, विज्ञापन में स्वयं का पता, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आदि दी हुई होती है, जिससे कि इच्छुक व्यक्ति हमारे से संपर्क कर सके। विज्ञापन की भाषा स्पष्ट, सुबोध, संक्षिप्त तथा अट्रैक्टिव होनी चाहिए। आगे आते हैं कि आखिर जो मेन एडवर्टाइजमेंट होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो एडवर्टाइजमेंट जो होते हैं वो मुख्यतः अपने टू टाइप्स के होते हैं, फर्स्ट इज क्लासिफाइड एंड सेकेंड इज डिस्प्लेड। तो जो क्लासिफाइड है, क्लासिफाइड डिस्प्ले के अंदर आपके जितने भी वर्गीकृत विज्ञापन आते हैं, वर्गीकृत विज्ञापन, ये सभी इसी के अंदर आते हैं, जिसके अंदर आप मैट्रिमोनियल यानी कि वैवाहिक, लॉस्ट फाउंड और इसी तरीके के लगभग 9 जो आपके सिलेबस में है वो क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट ही है। और एक जो दूसरा होता है डिस्प्लेड एडवर्टाइजमेंट, जो कि डिस्प्ले होता है, इसके अंदर पोस्टर वगैरह ये शामिल होते हैं, या फिर विजुअल जो कि हमें दिखाई देने वाले होते हैं, बड़ी होर्डिंग्स हो सकती हैं, पोस्टर्स हो सकते हैं, ठीक है, जिससे कि ये लोगों को अट्रैक्ट करने का काम करती है। तो देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट्स हियर गिवन, फर्स्ट क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट एंड सेकेंड वन इज अ डिस्प्लेड एडवर्टाइजमेंट। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आपके लिए बहुत ही जरूरी है और आपके सिलेबस में भी क्लास 12 के क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट ही है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं अपने फोर्थ
क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट, क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट में कौन से एडवर्टाइजमेंट आते हैं? इसमें वर्गीकृत विज्ञापन आते हैं जो अपनी विषय वस्तु के आधार पर अलग अलग श्रेणियों में रखे जाते हैं। अलग अलग श्रेणियों से तात्पर्य है जैसे कोई आपकी वस्तु खो गई है या कुछ आपको मिला है तो वो लॉस्ट एंड फाउंड के अंदर आएगा। इसके अलावा अगर आप जॉब के लिए करते हैं तो जॉब के अंदर सिचुएशन वांटेड और सिचुएशन वेकेंट इस कैटेगरी के अंदर आपके, क्योंकि ये कैटेगराइज्ड होते हैं इसीलिए इनको वर्गीकृत विज्ञापन या क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट कहा जाता है। ठीक है, इनकी विभिन्न श्रेणियां मुख्यतया निम्न प्रकार की होती हैं जिनको अब आगे हम विस्तार से पढ़ेंगे, जिसके अंदर सबसे पहले आता रहा है मैट्रिमोनियल यानी कि वैवाहिकी। वैवाहिकी के अंदर आपने देखा होगा, न्यूज़पेपर में पढ़ा भी होगा कि किस तरीके से जो है दूल्हा चाहिए या दुल्हन चाहिए, इट मींस ग्रूम वांटेड और ब्राइड वांटेड जो है वो किस तरीके से आपको इसको एडवर्टाइजमेंट को लिखना होता है। इसका एक प्रॉपर वे होता है जिसके द्वारा आप इसे अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। इजीली आप फोर आउट ऑफ फोर मार्क्स जो गिवन होते हैं इसके लिए मार्क्स प्रिस्क्राइब्ड हैं, उसके लिए आप फोर मार्क्स पूरे प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले इसके मेन मोड क्या क्या इसमें शामिल होता है और इसको किस तरीके से लिखा जाता है। तो इसके अंदर सबसे पहले जैसे हम ग्रूम वांटेड, ग्रूम जब भी हमें चाहिए होता है तो सबसे पहले देखिए कि प्रोस्पेक्टिव ब्राइड की जितनी भी विशेषताएं हैं वो हम सबसे पहले लिखते हैं। ठीक है, एक बार और अच्छे तरीके से देख लीजिए, जब ग्रूम वांटेड का हम एडवर्टाइजमेंट देते हैं तो सबसे पहले जो डिटेल्स होती है वो किसकी लिखी जाती है? प्रोस्पेक्टिव ब्राइड की, यानी कि ठीक है, तो सबसे पहले उसकी एज, एज के बाद में उसकी कास्ट कि वो कौन सी जाति से बिलोंग करती है, उसकी उम्र कितनी है, हाइट कितनी है, उसका फैमिली बैकग्राउंड यानी कि पारिवारिक जो पृष्ठभूमि है वो किस प्रकार की है, कॉम्प्लेक्शन मीन्स उसका कलर आ जाता है, कॉम्प्लेक्शन मीन्स कलर, उसकी जॉब क्या वो गवर्नमेंट जॉब है, प्राइवेट जॉब है या एज ए गृहिणी ही रहने वाली है, क्वालिफिकेशन यदि कोई उसका है तो वो हम लिख सकते हैं। इसके अलावा रिलीजन यानी कि धार्मिक रूप से वह किससे बिलोंग करती है, फाइनेंशियल स्टेटस यानी कि उसकी जो आर्थिक स्थिति है वो किस तरीके की है, ऑफ द प्रोस्पेक्टिव ब्राइड यानी कि दुल्हन की। जब ये डिटेल्स हो जाती है उसके बाद में जो है हमारे को जो भी डिजायर्ड ब्राइडग्रूम होता है, डिजायर्ड का मतलब होता है इच्छित, यानी कि इच्छित दूल्हा जो है उसकी एज, उसकी कास्ट, कास्ट मींस जाति, बाकी सेम पॉइंट्स वही आएंगे, लगभग लगभग सारे वही है, हाइट, रिलीजन, रिलीजन का मतलब धर्म है, कॉम्प्लेक्शन उसका कलर है, क्वालिफिकेशन, क्वालिफिकेशन में उसकी जो योग्यताएं हैं वो सभी आ जाएंगी, जॉब क्या वो गवर्नमेंट जॉब है, प्राइवेट जॉब है या किसी अदर सेक्टर में है, तो उसकी डिटेल्स यहां पर दी जा सकती है। ठीक है, नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है वो होता है टाइप्स ऑफ मैरिज यू वांट, यानी कि आप किस तरीके के विवाह में बिलीव करते हैं, आपको अर्ली मैरिज करनी है, अरेंज मैरिज करनी है या कोर्ट मैरिज के इच्छुक है, तो ये डिटेल्स भी आप उसमें डाल सकते हैं, इंक्लूड कर सकते हैं। उसके बाद में लास्ट पॉइंट जो है वो ये है कि कॉन्टेक्ट नंबर जो है वो देना होता है, एड्रेस देना होता है, ईमेल एड्रेस यदि आपके पास में है तो ईमेल आईडी दे सकते हैं और मोबाइल नंबर, ये सभी जो डिटेल्स हैं आपको अच्छे तरीके से पढ़नी है, देखनी है और समझनी है। तो एक बार जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर हम आगे चलते हैं। चलिए ओके, तो स्क्रीनशॉट हो गया होगा आई थिंक। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं, एग्जांपल से इसे हम और अच्छे तरीके से समझ लेते हैं थोड़ा सा कि किस तरीके से यह तैयार किया जाता है। तो एग्जाम्पल फर्स्ट देखिए, योर पेरेंट्स एंड यू आर लुकिंग फॉर ए ब्राइड रूम फॉर योर एल्डर सिस्टर, राइट एन एडवर्टाइजमेंट टू गेट इट पब्लिश्ड इन द मैट्रिमोनियल कॉलम्स ऑफ अ न्यूज़पेपर। इसका मतलब है कि आपके जो माता पिता हैं वो
एक ब्राइडग्रूम की तलाश कर रहे हैं आपकी एल्डर सिस्टर के लिए, यानी कि आपकी जो बड़ी सिस्टर है यानी कि बड़ी बहन, उसके लिए ब्राइडग्रूम यानी कि दूल्हा वो ढूंढ रहे हैं, और इसके लिए एक एडवर्टाइजमेंट लिखना है जो कि पब्लिश किया जाना है एक मैट्रिमोनियल कॉलम के अंदर, एक न्यूज़पेपर के अंदर। तो जैसा कि अभी हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बढ़े थे, तो इसको जो लिखने का तरीका होता है एक बार उसको भी अच्छे से समझ लेना है कि इसको लिखने के लिए आपको एक बॉक्स का यूज करना है, बॉक्स कंपल्सरी है। इसके बाद में आपको इसके दो सेक्शंस करके जो हेडिंग है वो ग्रूम वांटेड कैपिटल में लिखना है, जैसा कि यहां पर एग्जांपल में दिया हुआ है, देखिए ग्रूम वांटेड, ठीक है। उसके बाद में जैसा कि हमें बताया था कि सबसे पहले जो है लड़की की जो डिटेल्स है वो हमें लिखनी होती है, तो देखिए किस तरीके से स्टार्टिंग की जाती है, वांटेड ए सुटेबल मैच फॉर ए ब्यूटीफुल जेन गर्ल। देखिए इसमें इसकी जो है किस रिलीजन से बिलोंग करती है ये साफ स्पष्ट लिखा हुआ है। उसके बाद में इसकी एज आ जाती है 25 ईयर और हाइट दे रही है 5'11" एमकॉम, ये उसकी एजुकेशन हो गई, और फादर ए बिजनेसमैन, ये उसका जो फैमिली बैकग्राउंड है आर्थिक स्थिति ये उसके अंदर आ जाता है। लुकिंग फॉर ए हैंडसम बॉय, अब जो हमें लड़का चाहिए होता है उसकी डिटेल्स स्टार्टिंग करनी है, तो उसके लिए सबसे पहले लुकिंग फॉर ये जरूर लिखना है आपको, तो लुकिंग फॉर हैंडसम बॉय इन गवर्नमेंट सर्विस। अगर लड़का गवर्नमेंट सर्विस में नहीं भी चाहते हैं या प्राइवेट सर्विस में हो तब भी आप उसके बारे में डिटेल्स लिख सकते हैं। इसके बाद में एज बिटवीन 28 to 30 years, यानी कि उस लड़के की आयु 28 से 30 के बीच में होनी चाहिए। सेंड रीसेंट फोटो ऑफ द बॉय एंड कॉन्टेक्ट टू एम आर जैन 121A महेश नगर टोंक रोड जयपुर, और फिर मोबाइल नंबर की डिटेल्स आप यहां पर दे सकते हैं, जो भी आपको डिटेल्स देनी हो वो। तो ठीक है, इस तरीके से आप देख सकते हैं, एक बार फिर से हम समझ लेते हैं इसको, स्टार्टिंग से देख लेते हैं एक बार सारा कि किस तरीके से आपको आज का टॉपिक जो है समझ में आया नहीं आया है, या फिर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर के इसे अच्छे तरीके से वापस स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो एडवर्टाइजमेंट से स्टार्ट करते हैं अपन, चलिए। तो जो राइटिंग सेक्शन है, राइटिंग सेक्शन आपके इसके अंदर शॉर्ट कंपोजिशंस जो होती हैं, शॉर्ट कंपोजिशंस जो होती हैं आपके वो शॉर्ट कंपोजिशंस जो होती हैं वो 4 marks की आपके आती हैं, जिसके अंदर आपके एडवर्टाइजमेंट, नोटिसेस, डिस्क्रिप्शंस ऑफ आर्ग्यूमेंट्स यानी कि फॉर और अगेंस्ट ए टॉपिक, एंड एक्सेप्टिंग एंड डिक्लाइनिंग इनविटेशन, यानी कि फर्स्ट टॉपिक, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ टॉपिक, 4 topics है, चारों में से कोई सा भी टॉपिक आपको परीक्षा के लिए तैयारी के लिए दिया जा सकता है, या फिर उसमें एग्जाम में आपके क्वेश्चन आ सकता है, और वो 4 marks का पेपर क्वेश्चन आपके आता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सोल्ड कंपोजिशन के अंदर एडवर्टाइजमेंट, नोटिस, डिस्क्रिप्शन और एक्सेप्टिंग एंड डिक्लाइन इनविटेशन, ये चारों आपके आता है, ठीक है। उसके बाद में एडवर्टाइजमेंट होता क्या है, एन एडवर्टाइजमेंट इज ए पीस ऑफ इंफॉर्मेशन विच इज यूज टू इन्फ्लुएंस द माइंड, टेस्ट एंड इवन मोटिव्स ऑफ द मैसेज, इट इज ऑल्सो अनाउंसमेंट मेड थ्रू अ पॉपुलर मीडियम रस एज न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, टीवी, रेडियो, सिनेमा, मीडिया एक्सेट्रा। इट इज यूज फॉर वेरियस पर्पज बाई द बिजनेसमैन, कमर्शियल, गवर्नमेंटल एंड सोशल इंस्टीट्यूट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एक अच्छे एडवर्टाइजमेंट की विशेषताएं क्या क्या होती है, कि किस तरीके से एक अच्छा एडवर्टाइजमेंट जो है वो तैयार किया जा सकता है। तो इसमें सबसे पहले देखिए, विज्ञापन में कम से कम शब्दों का प्रयोग होता है, कम से कम शब्दों का प्रयोग से आपका मतलब है कि ये बिल्कुल संक्षिप्त होना चाहिए, क्योंकि इसकी जो वर्ड लिमिट होती है वो केवल 50 शब्द ही होते हैं, ठीक है।
आप समझ सकते हैं कि ये बिल्कुल आपको संक्षिप्त लिखना है। सेकेंड पॉइंट इसका इंपोर्टेंट, विज्ञापन में सभी आवश्यक सूचनाओं का समावेश होता है। आवश्यक सूचनाओं से तात्पर्य है जैसे कि सबसे पहले हमने अभी देखा कि इसका जो ग्रूम वांटेड का देखा है हमने, ग्रूम वांटेड के अंदर आप जो इसे स्टार्ट करते हैं तो ग्रूम वांटेड में हमें दूल्हे और दुल्हन, किस तरीके का दूल्हा आपको चाहिए उसकी पूरी विशेषताएं, और हमारी जो लड़की है यानी कि जिसके लिए दूल्हा चाहिए उस दुल्हन की सारी डिटेल्स जो जरूरी होती है किसी संबंध को स्थापित करने के लिए, वो सभी डिटेल्स आवश्यक रूप से इसमें ऐड करनी होती है। थर्ड पॉइंट देखिए इसका, विज्ञापन में स्वयं का पता, मोबाइल नंबर। स्वयं का पता से मतलब है कि जो भी इस एडवर्टाइजमेंट को जारी कर रहा है उसका एड्रेस बिल्कुल साफ स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ होना चाहिए। इसके अलावा उसके कॉन्टेक्ट नंबर, ईमेल एड्रेस अगर यदि है तो आप इसका यूज कर सकते हैं ताकि जो भी इच्छुक व्यक्ति है वो आपसे संपर्क कर सके। नेक्स्ट चलते हैं फोर्थ पॉइंट इसका, विज्ञापन की भाषा स्पष्ट। आप जितनी भाषा अपनी स्पष्ट रखेंगे, इजी लैंग्वेज रखेंगे, अंडरस्टैंडेबल रखेंगे, आपका जो प्रभावी, आपका जो प्रभाव है एडवर्टाइजमेंट का वो उतना ही अधिक होने वाला है। ठीक है, तो चलिए आगे, सुबोध यानी कि इजी वे में आपको वो चीज समझने आ जानी चाहिए या जिस तक भी पहुंचाना चाहते हैं आप, जिस मास के पास में पहुंचाना चाहते हैं तो वहां तक ये आसानी से इजी वे में और उसको समझ में आ जाए ऐसी भाषा का यूज करना चाहिए। संक्षिप्त जैसा कि फर्स्ट पॉइंट में हमने पहले पढ़ लिया इसके बारे में, चला आकृष्ट करने वाली, माफ कीजिए यहां पर ये मिसप्रिंट हो गया सर, चलिए तो आकृष्ट करने वाली इसकी भाषा होनी चाहिए। आकृष्ट करने वाली से मतलब है अट्रैक्टिव लैंग्वेज का हमें यहां पर यूज करना है। देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट्स, एडवर्टाइजमेंट दो प्रकार के होते हैं, क्लासिफाइड एंड सेकेंड वन इज डिस्प्लेड। क्लासिफाइड एंड डिस्प्लेड, क्लासिफाइड के अंदर जो है क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट, क्लासिफाइड इसमें जो शामिल होता है इसमें आपके सभी वर्गीकृत विज्ञापन शामिल होते हैं, और वर्गीकृत विज्ञापन से तात्पर्य है लॉस्ट एंड फाउंड का, खोया पाया, या फिर ग्रूम वांटेड, ब्राइड वांटेड, और सेकेंड वन होता है डिस्प्लेड एडवर्टाइजमेंट। डिस्प्लेड जो कि प्रदर्शित किया जाता है, जैसे होर्डिंग्स हो सकती है, पोस्टर्स हो सकते हैं, लेकिन ये ट्वेल्थ क्लास के सिलेबस में नहीं है। आपके सिलेबस में ट्वेल्थ में केवल आपको ये एक टॉपिक मिलेगा क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट का। और आगे चलते हैं क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट से कि क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट एक्चुअली में होता क्या है। तो क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट, वर्गीकृत विज्ञापन अपनी विषय वस्तु के आधार पर अलग अलग श्रेणियों में रखे जाते हैं और इन्हें इसीलिए क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट कहते हैं। बिल्कुल सही है, इनकी विभिन्न श्रेणियां मुख्यतः निम्न प्रकार की होती है, जिसमें सबसे फर्स्ट है आपके मैट्रिमोनियल यानी कि वैवाहिक। तो वैवाहिक को आगे हम एग्जांपल से समझते हैं, जैसा कि अभी हमने देखा तो ग्रूम वांटेड, ग्रूम वांटेड के लिए इंपॉर्टेंट जो इसके पॉइंट है कि वो क्या क्या शामिल होने चाहिए वो एक बार आप नोट कर लीजिए अच्छे से। एज, कास्ट, हाइट, फैमिली बैकग्राउंड, कॉम्प्लेक्शन, कॉम्प्लेक्शन का मतलब यहां पर कलर से है, कॉम्प्लेक्शन का मतलब है यहां पर कलर, कॉम्प्लेक्शन मींस कलर, जॉब क्वालिफिकेशन, रिलीजियन, फाइनेंशियल स्टेटस एक्सेट्रा ऑफ द प्रोस्पेक्टिव ब्राइड। प्रोस्पेक्टिव का मतलब होता है भावी, प्रोस्पेक्टिव मींस भावी, और ब्राइड ये आप सभी जानते ही हैं, दुल्हन। चलिए सेकंड पॉइंट देखते हैं इसका, एज, कास्ट,
हाइट, रिलीजियन, कॉम्प्लेक्शन का रंग के आखिर रंग रूप कैसा है, क्वालिफिकेशन, जॉब एक्सेट्रा ऑफ द डिजायर्ड ब्राइडग्रूम। डिजायर्ड का मतलब होता है इच्छित, यानी कि जिस भी तरीके का दूल्हा आप चाहते हैं उसकी एज, कास्ट, हाइट, रिलीजन, कॉम्प्लेक्शन, आपको सारी डिटेल इसमें लिखनी है। टाइप्स ऑफ मैरिज में आपको मैरिज का टाइप लिखना है कि आपको किस तरीके की मैरिज में बिलीव है या किस तरीके की उसमें आप इंटरेस्टेड हैं। अर्ली मैरिज है, अरेंज मैरिज करना चाहते हैं या कोल्ड मैरिज है, तो उसका आप टाइप इसमें लिख सकते हैं। लास्ट वन पॉइंट, कॉन्टेक्ट नंबर, एड्रेस, ईमेल एड्रेस एंड मोबाइल नंबर, ये आपको सभी जो डिटेल्स है वो लिखनी होती है। ठीक है, तो कैसी लगी आपको क्लास? इसी के साथ आज का हम ये फर्स्ट पार्ट यहीं पे खत्म करते हैं। कल बिल्कुल नए टॉपिक और नए इसका सेकंड पार्ट लेकर के आपके पास में आएंगे। तब तक के लिए बाय।